हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माय नेम इज़ अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अगेन मास्टर मर्लिन के बारे में। वाई आई सेड अगेन, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मास्टर मर्लिन के बारे में काफ़ी वीडियोज़ बनाए हुए हैं। उनका नॉट मैजिक मैंने शेयर किया है, लेटर राइटिंग शेयर किया है, ऐसे बहुत से रिचुअल्स हैं। अगर आप उनमें से हैं जो मास्टर मर्लिन के साथ काम करना चाहते हैं तो आप उन रिचुअल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, आप उन रिचुअल के साथ भी मैनिफेस्टेशंस को कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज हम लोग बात करने वाले हैं मास्टर मर्लिन के ही एक बहुत ही सुपर पावरफुल कोड के बारे में। ये कोड आप इन्हें अर्जेंट सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आप यू नो अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी विश को आप मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, तब भी आप इस कोड को चैंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोड अर्जेंट सिचुएशन में भी हेल्प करेगा, अदरवाइज आप नॉर्मल मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं तब भी आपको ये कोड हेल्प करेगा। ठीक है, अगर बात करें मास्टर मर्लिन की, मास्टर मर्लिन का जो मैजिक है, ही इज़ द ग्रेट विजर्ड, उनको हम ग्रेट विजर्ड बोलते हैं। ठीक, एंड उनका जो मैजिक है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, अगर आप कोई रिचुअल करते हैं, स्पेल वर्क भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप यू नो उनसे इनडायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज हर चीज़ जो मैजिक की है वो उनसे जुड़ी हुई है। ठीक, एंड कुछ लोग उनको फादर ऑफ स्पेल्स भी बोलते हैं, या फिर कुछ लोग उनको द ग्रेट विजर्ड भी बोलते हैं। अगर आप इस लाइन पर गौर करें द ग्रेट विजर्ड, तो आप समझ जाएं वही मास्टर मर्लिन है। तो उनका जो मैजिक है वो बहुत ही पावरफुल। अगर आप नॉर्मली भी अपने स्पेल में उनको इनवाइट करते हैं तो उसके बाद जो स्पेल के रिजल्ट होंगे वो बहुत ही अमेजिंग होंगे। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं इस कोड के बारे में। कोड क्या है? कोड है 1913। जब भी आप अर्जेंट सिचुएशन में फंसते हैं, सिंपली याद करें मास्टर मर्लिन को एंड सिंपली इस कोड को चैंट करना स्टार्ट करें। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक यू नो नंबर नहीं है कि आपने इतनी बार चैंट करना है। जब आप बहुत अर्जेंट सिचुएशन में फंसे होते हैं, आपको ऑब्वियसली पैनिक होता है, आपको कुछ समझ नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, अब इस सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस कोड को चैंट करना स्टार्ट करना है 1913 मन मन में। एंड आप देखेंगे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होंगी, इंस्टेंटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा उस सिचुएशन में। ठीक है, अगर हम बात करें नॉर्मल मैनिफेस्टेशन की, आपने इसको दिन में 3 बार चैंट करना है, सुबह उठते ही, दोपहर के टाइम पे एंड रात के टाइम पे, रात के टाइम सोने से पहले। आपने क्या करना है, आपने इसको 28 टाइम्स सुबह चैंट करना है, 28 टाइम्स आपने इसको दोपहर में, 28 टाइम्स आपने इसको रात के टाइम पे। अपने माइंड में आपने इंटेंशन रखनी है कि आप इसे किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ मास्टर मर्लिन को हमेशा याद रखना है। एंड एक और चीज़, अगर आप चाहें तो इसको 5-5-5 मिनट्स कर सकते हैं, यानी कि सुबह 5 मिनट, दोपहर में 5 मिनट की चैंटिंग एंड रात के टाइम 5 मिनट की चैंटिंग। बट अगर आपके पास टाइम की कमी है, टाइम आपके पास नहीं है, तो आप 28 टाइम्स भी चैंट कर सकते हैं दिन में, कोई ऐसे इशू नहीं है। बट आप जितना इसको चैंट करेंगे, जितना अपने इंटेंशन से आप कनेक्ट करेंगे, जितना मास्टर मर्लिन से कनेक्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी जो विश है वो पूरी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज़ और, जो भी करना है अच्छे से करना है, ट्रस्ट के साथ करोगे चीज़ें अपने आप होंगी। सरेंडर कर दो, चीज़ें अपने आप होती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब ये था हमारा आज का टॉपिक। एंड अगर आप इसको ट्राई करते हैं तो आप अपने फीडबैक्स को यहाँ पे कॉमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, आपके फीडबैक्स काफ़ी लोगों को हेल्प करेंगे। ठीक है, सो ये आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय। थैंक यू सो मच।